हेलो फ्रेंड्स, रीजनिंग में हम आज जो है डायरेक्शन के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो डायरेक्शन के क्वेश्चंस करने में देखिए, आपको सबसे पहले डायरेक्शन का पता होना चाहिए, ठीक है। आपको एक सिंपल सा एक डायग्राम जो है याद करना है, दैट इज़ ईस्ट डायरेक्शन। ये रहती है, आप एक प्लस का साइन बनाएंगे और एक ईस्ट डायरेक्शन मार्क कर लेंगे। दिस इज़ द ईस्ट डायरेक्शन। ओके, ईस्ट के अपोजिट पर सबको मालूम है वेस्ट होती है ना। और आपको ये याद रखना है कि ऊपर की साइड में नॉर्थ बनेगा और नीचे की साइड में साउथ बनेगा। बस आपको ये सिंपल सा डायग्राम, कोई भी डायरेक्शन का क्वेश्चन आए, ये सिंपल सा डायग्राम ड्रॉ करना है और आप बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। इसमें हम देखिए कि ये जो मेजर डायरेक्शंस हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ, साउथ, ओके, तो इनके बीच के जो डायरेक्शंस हैं वो कैसे हम बोलेंगे। जैसे देखिए, इस डायरेक्शन की बात करें तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट, राइट। ऐसे ही साउथ और ईस्ट के बीच की जो डायरेक्शन है, ठीक है, ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, दिस इज साउथ ईस्ट। ऐसे ही हम इसको देख सकते हैं, साउथ और वेस्ट के बीच में है, सो इट विल बिकम साउथ वेस्ट, ओके, और ये आपकी नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें बस एक सिंपल सा डायग्राम बनाना है, सिंपल सा आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। और विश्वास कीजिए स्टूडेंट्स, आप सिर्फ इस सिंपल डायग्राम से डायरेक्शन के सारे क्वेश्चंस आप जो है सॉल्व कर पाएंगे। अभी हम एक क्वेश्चन लेके आएंगे और आपको हम शो करते हैं कैसे इजीली क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता। तो देखिए, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम द आनंद्स हाउस, द स्कूल बस टेक्स अ राइट टर्न एंड कवर्स 3 किलोमीटर। आनंद का घर मान लीजिए ये है, ओके। अब इसके घर से चल रही है द बस टेक्स अ राइट टर्न एंड कवर्स 3 किलोमीटर, देन इट टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड कवर्स 2 किलोमीटर। फाइनली टेक्स राइट टर्न अगेन एंड कवर्स 4 किलोमीटर टू रीच द स्कूल। देखिए, बस आनंद के घर से चली और स्कूल पहुँच गई, ओके। अभी इसमें बेसिकली अपॉन रीचिंग द स्कूल द बस फेसेस साउथ ईस्ट, ठीक है। जब स्कूल पहुँची तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में उसका फेस है। इन विच डायरेक्शन वॉज द बस फेसिंग वैन इट लेफ्ट द आनंद हाउस, ओके। तो जब आनंद के घर पर खड़ी थी, वहाँ से बस निकल रही थी, तब उसकी डायरेक्शन क्या थी, ठीक है। देखो, इसमें मान लो, सपोज़ करते हैं, इसमें लेट अस अज्यूम कि उसकी जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ थी, ओके। हो सकता है बाद में कुछ और निकले, तो अभी हम देखते हैं, ठीक है, नॉर्थ। तो मैंने आपको डायग्राम बताया ही था कि आप एक छोटा सा कहीं भी, क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चन पेपर होता है, जगह भी बहुत कम रहती है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, आप फटाफट से बना लो ताकि कोई गलती ना हो। हमने इनिशियल डायरेक्शन नॉर्थ मान ली, ठीक है, नॉर्थ थी उसकी डायरेक्शन। स्टार्टिंग फ्रॉम आनंद हाउस द स्कूल बस टेक्स अ राइट टर्न, तो इसका जो बस है उसका मुँह इस तरफ है, ये राइट टर्न लेगी तो किस तरफ जाएगी, इस तरफ जाएगी, ओके। राइट टर्न एंड कवर्स 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर चलेगी ये, ठीक है। देन इट टेक्स अ लेफ्ट टर्न, देन इट टेक्स अ लेफ्ट टर्न कवर्स 2 किलोमीटर। तो इसका जो लेफ्ट है वो किधर आएगा, इसका लेफ्ट है वो इधर आएगा, ओके। सो इट विल गो 2 किलोमीटर, सपोज दिस इज 2 किलोमीटर, ओके। फाइनली इट टेक्स अ राइट टर्न, फाइनली इसने राइट टर्न लिया, तो राइट टर्न इसका इधर आ जाएगा, एंड हाउ मच, 4 किलोमीटर इसने कवर किया, ओके। तो अगर हम अपने इस डायग्राम के हिसाब से देखेंगे तो ये डायरेक्शन इसकी बननी चाहिए ईस्ट, ओके। लेकिन ये डायरेक्शन जो है ईस्ट नहीं बताई उसने, उसने बोला है ये डायरेक्शन है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट मीन्स ये वाली डायरेक्शन है। तो बेसिकली ये देखिए 45 डिग्री से रोटेट हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि जो ये पूरा का पूरा ही मैप जो है रोटेट होगा, इट विल बिकम लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस एंड लाइक दिस।
तो ये जो डायरेक्शन है वो 45 डिग्री से आप रोटेट कराओ, हमने नॉर्थ मानी थी, 45 डिग्री से नॉर्थ रोटेट होगी, सो इट विल बी नॉर्थ ईस्ट। देखिए इसमें आंसर दिया है सी। ओके सो वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन, बहुत ईजी है, कहीं कोई कन्फ्यूज़न इसमें नहीं आना चाहिए। ओके मैं एक बार फिर से, आप चाहेंगे तो मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। चलिए इसको एक दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। जैसे हमने शुरू में माना था कि इसकी जो डायरेक्शन है वो ईस्ट है, ईस्ट ना लेकर के हम इसकी डायरेक्शन मान लेते हैं, मान लीजिए कि पहले हमने नॉर्थ मानी थी, अभी हम ईस्ट मान लेते हैं। मान लो कि बस इस तरीके से खड़ी थी, हम किसी भी तरीके से रहें आंसर सेम ही आना चाहिए। ठीक है, तो इसने क्या बोला कि आनंद के घर से बस चली, ठीक है, आनंद के घर से निकलते हुए स्कूल बस दाएं मुड़ती है। ठीक है, इसने राइट टर्न लिया एक, ठीक है, तो इसका राइट यहाँ से ये हो जाएगा, जिस हाथ से हम जनरली लिखते हैं वो राइट टर्न होता है। इसने राइट टर्न लिया और राइट चलते हुए 3 किलोमीटर ये चली, है ना। उसके बाद में इसने एक लेफ़्ट टर्न लिया, इसके बाद यह फिर से इसके बाद यह बाएं मुड़ती है और 2 किलोमीटर चलती है, राइट। तो इसने लेफ़्ट टर्न लिया, ओके, तो जिस हाथ से हम नहीं लिखते हैं वो जनरली लेफ़्ट रहता है। और इसके बाद में ये फिर से एक राइट टर्न लेगी, राइट टर्न लेगी एंड 4 किलोमीटर चलेगी। ओके ये आनंद का घर था, ठीक है। तो अभी इसकी जो डायरेक्शन है हमारे इस मैप के हिसाब से देखेंगे तो ये साउथ डायरेक्शन होनी चाहिए, राइट, साउथ होना चाहिए। लेकिन उसने क्या बोला, डायरेक्शन है आपकी साउथ ईस्ट, है ना। तो साउथ ईस्ट कैसे होगी कि हम इसको 45 डिग्री ऊपर की तरफ सर्कुलेट करते हैं, तो ये पूरा का पूरा फिगर ही जाएगा, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि इसका फेस है वो इधर होगा, देन ये इधर हो जाएगा, 3 किलोमीटर इधर चल के पहुँचेगी ये, देन 2 किलोमीटर इधर चल के पहुँचेगी, और तभी 4 किलोमीटर में इस तरफ फेस होगा इसका, ये जो हमें दिखाई दे रहा है 45 डिग्री। तो इसको जो हमने ईस्ट माना था, ठीक है, हमने ईस्ट माना था इसको शुरुआत में, हमने ईस्ट माना था इसको, राइट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ही तो है, दिस इज़ नॉर्थ। तो अब जो सही डायरेक्शन निकल गया है वो एक्चुअल में ये है, तो ये कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट। तो देखिए आपका दूसरे तरीके से भी आंसर सेम आया है। अब किसी भी तरीके से आप कोई सी भी डायरेक्शन जो भी आपको सूट करे आप उसे अज्यूम करिए और सही आंसर तक आप पहुँचेंगे। अभी हम देखिए ऐसा ही एक दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे कि कॉन्फिडेंस लेवल आपका और बढ़ेगा। स्वाति जी स्कूल बस स्टार्ट फ्रॉम हर हाउस, ओके, एंड टेक्स 1 लेफ्ट टर्न टू रीच द हॉस्पिटल। एक लेफ्ट टर्न लिया, देन इट टेक्स अ राइट टर्न एंड कवर्स 5 किलोमीटर। ऑन रीचिंग द स्कूल द बस फेसेस साउथ वेस्ट डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन वॉज द बस फेसिंग वैन इट लेफ्ट स्वाति's हाउस। मतलब हमें देखो फाइनल डायरेक्शन दी हुई है बस की और हमें पूछा है कि उसकी इनिशियल डायरेक्शन क्या थी। ओके तो मैंने आपको बताया ही कि आप बस कोई भी डायरेक्शन का क्वेश्चन हो ये डायग्राम आप फटाफट से बना लीजिए, रफ पे छोटी सी जगह में बन जाएगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ताकि कोई आप गलती ना करें और कुछ भी आपको रटने की याद करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, सिंपल से चलते हैं, मैंने आपको बताया आप कोई सी भी डायरेक्शन अज्यूम कर लीजिए। मान लीजिए कि शुरू में वो नॉर्थ की तरफ फेस कर रही थी, ओके, तो स्वाति स्कूल बस स्टार्ट फ्रॉम आर हाउस एंड टेक्स 1 लेफ्ट टर्न टू रीच द हॉस्पिटल। लेफ़्ट लिया इसने, ठीक है, लेफ़्ट जनरली जिस हाथ से हम नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पर हॉस्पिटल पहुँच गई है। अभी थोड़ा सा मैं इसको बड़ी जगह में ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके बोले ठीक है फ्रेंड प्लेस, मान लीजिए नॉर्थ फेस कर रही थी और ये लेफ़्ट चली, हॉस्पिटल पहुँच गई, है ना। देन इट टेक्स राइट टर्न एंड कवर्स 5 किलोमीटर, राइट गई 5 किलोमीटर, ठीक है, राइट टर्न एंड कवर्स 5 किलोमीटर। ऑन रीचिंग द स्कूल द बस फेसेस साउथ वेस्ट। तो जैसे हमने नॉर्थ में अज्यूम किया था शुरू में, तो ये भी हमें नॉर्थ जैसी ही दिखाई दे रही है, हम कहीं भी बना लेंगे इसको डायरेक्शन को। देखिए मैं कहीं भी बना लूँगा,
मेरा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ यहाँ पर ये ऐसे बनेगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, मैंने नॉर्थ मज्यूम करी थी, नॉर्थ मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा था, तो इसी को मैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को मैं यहाँ रिपीट करूँ तो ये नॉर्थ होना चाहिए, लेकिन उसने क्या बोला कि ये साउथ वेस्ट है, ठीक है, ये नॉर्थ नहीं है, दिस इज़ साउथ वेस्ट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज साउथ वेस्ट, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो साउथ वेस्ट कौन सी है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन ये है, यही तो है साउथ वेस्ट, तो जो मुझे एक्चुअल में यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो बेसिकली इस तरफ पहुँच रहा है, इस तरफ पहुँच रहा है, ठीक है, 90 डिग्री और 45 डिग्री इतना ये टर्न ले रहा है, तो ये पूरा का पूरा जो डायग्राम है वो 135 डिग्री से हमें घुमा देना है, ठीक है। तो जो हमने शुरू में जो डायरेक्शन मानी थी वो भी 135 से घूम जाएगी, ठीक है, शुरू में नॉर्थ थी तो बाद में भी नॉर्थ आई है ना, तो शुरू की और बाद की डायरेक्शन सेम है, यहाँ से हमने ये कंक्लूजन निकाला था कि शुरू में नॉर्थ थी, यहाँ भी नॉर्थ निकल करके आ रही थी, तो अगर इसने बोला है कि फाइनली साउथ वेस्ट है तो शुरू वाली भी साउथ वेस्ट ही होनी चाहिए, तो हमारा आंसर तो यहाँ से निकल आया ये, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं कि इस पूरे डायग्राम को हमको घुमाना होगा कितना, 135 डिग्री से, तभी हमारा सही ये निकल करके आएगा, राइट। तो ये देखिए ये ऐसे घूम जाएगा, ठीक है, यहाँ से ये बस अपना लेफ्ट टर्न लेगी, हॉस्पिटल पहुँचेगी एंड देन इट विल टेक अ राइट टर्न, ओके, और ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ फेस कर रही होगी, देखिए ये अब देखिए साउथ वेस्ट आपको बनता हुआ दिखाई देगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है ना, साउथ वेस्ट है, तो यहाँ पर भी ये भी साउथ वेस्ट है, सो इनिशियल डायरेक्शन जो है साउथ वेस्ट आई। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए इस क्वेश्चन को अब हम एक तरीके से और सॉल्व करते हैं, जैसे मैंने बताया था कि आप कोई भी सी भी डायरेक्शन एज्यूम करें फाइनली आप जो है करेक्ट आंसर तक पहुँचेंगे, ओके। तो जैसे अभी हमने कौन सी मानी थी, नॉर्थ मानी थी, नॉर्थ की बजाय सपोज़ करो कि मैं डायरेक्शन मान लेता हूँ वे और, राइट, सपोज़ करिए कि वो वेस्ट फेसिंग था, ओके, इधर की तरफ बस जो है फेस कर रही थी इनिशियली, ठीक है। तो अब इसने क्या बोला कि स्वाति स्कूल बस स्टार्ट फ्रॉम हाउस एंड टेक्स वन लेफ्ट टर्न टू रीच द हॉस्पिटल, अब इसको लेफ्ट टर्न लेने का है, तो इसको लेफ्ट लेना है, राइट, हॉस्पिटल पहुँच जाएगी ये लेफ्ट लेकर के, ठीक है, उसके बाद में देन इट टेक्स अ राइट टर्न एंड कवर्स 5 किलोमीटर, राइट टर्न लिया इसने और 5 किलोमीटर चलिए है ना, तो स्कूल पहुंच जाएंगे, ऑन रीचिंग द स्कूल द बस फेसेस द साउथ वेस्ट डायरेक्शन। अब देखो हमारे जो है ओरिजिनल सिंबल के हिसाब से ये डायरेक्शन कौन सी है, ये डायरेक्शन वेस्ट है, देखो ये डायरेक्शन वेस्ट है, यहाँ अगर मैं बना दूँगा तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ओके, सो दिस इज़ द बेस्ट डायरेक्शन, वेस्ट में हमने अज्यूम किया था, वेस्ट ही फाइनली निकल करके आई, तो शुरू की और बाद की डायरेक्शन सेम है, तो हमारा आंसर यहीं से निकल आएगा कि अगर इसकी फाइनल डायरेक्शन साउथ वेस्ट है तो इसकी जो इनिशियल डायरेक्शन है वो भी साउथ वेस्ट ही होनी है, ठीक है। लेकिन हम ये देखते हैं कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन होने के लिए साउथ वेस्ट कौन सा है, साउथ वेस्ट जो ओरिजिनल हमारा जो फिगर है उसके अकॉर्डिंग साउथ वेस्ट ये है ना, साउथ वेस्ट ये होने के लिए इसको हमें 45 डिग्री रोटेट कराना पड़ेगा, यानी कि जो पूरा का पूरा डायग्राम है वही हमारा 45 डिग्री रोटेट होगा, तो ये फेसिंग ऐसे था, देन इसको ऐसे जाना था एंड देन इसको ऐसे आना था, तभी तो 45 डिग्री रोटेट होगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए कौन सी डायरेक्शन बनेगी, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इस तरफ देखिए तो ये कौन सी डायरेक्शन है, ये हमारी डायरेक्शन है नॉर्थ साउथ वेस्ट,
ठीक है, साउथ और वेस्ट के बीच में, साउथ और वेस्ट के बीच में है, साउथ और वेस्ट के बीच में, सो दिस इज़ साउथ वेस्ट। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप कोई सा भी अजम्पशन लें, हम एक सही आंसर तक पहुँचेंगे और वही हमारा फाइनल आंसर रहेगा। इसमें आप एक चीज़ और देख सकते हैं कि देखिए उसकी जो डायरेक्शन है, इनिशियल डायरेक्शन और फाइनल डायरेक्शन, तो बस एक बार तो एक राइट टर्न ले, पहले तो एक लेफ़्ट टर्न ले रही है, ठीक है, और फिर एक राइट टर्न ले रही है। तो यानी कि पहले उसने लेफ़्ट लिया और उसके लेफ़्ट का जो भी इफ़ेक्ट था उसको कैंसिल कर दिया राइट टर्न वाले ने, है ना। मैं इसको ऐसे समझाता हूँ कि आप चल रहे थे राइट किसी एक तरफ, आपने लेफ़्ट लिया, है ना, और उसके बाद में फिर से राइट लिया। तो अगर केवल हम डायरेक्शन की बात करें तो आपकी जो डायरेक्शन है उसका वो तो सेम रहेगी फिर फाइनली, अगर आपने लेफ़्ट के बाद राइट ले लिया। अगर आपने लेफ़्ट लिया और फिर एक लेफ़्ट ले लिया तो डायरेक्शन सेम नहीं रहेगी, अपोजिट हो जाएगी। अगर आपने राइट लिया फिर से एक राइट ले लिया तो भी डायरेक्शन आपकी अपोजिट हो जाएगी। लेकिन आपने राइट और लेफ़्ट का अगर आपने कॉम्बिनेशन लिया है तो इन दोनों का एक दूसरे का कैंसिलिंग इफेक्ट होता है विद रेस्पेक्ट टू द डायरेक्शन, एक दूसरे की डायरेक्शन को कैंसिल कर देते हैं। जैसे कि से चल रहा है, आपने राइट लिया और फिर एक लेफ़्ट ले लिया, तो आपकी जो इनिशियल डायरेक्शन और फाइनल डायरेक्शन है वो सेम रहेगी, है ना, दिखाई दे रहा है हमें। तो आगे चल रहे हैं, आपने एक लेफ़्ट लिया फिर से एक राइट लिया, तो जो इनिशियल डायरेक्शन है और जो फाइनल डायरेक्शन है वो सेम है। तो यही देखिए यहाँ पर भी हुआ है कि पहले उसने एक लेफ़्ट लिया फिर उसने एक राइट लिया और जो फाइनल डायरेक्शन है वो साउथ वेस्ट बताया, और पूछ रहा है कि इनिशियल डायरेक्शन क्या थी, है ना। तो बस वही है, सेम डायरेक्शन रहेगी साउथ वेस्ट। तो इस शॉर्ट ट्रिक से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए नया क्वेश्चन है आपके लिए, मयंक्स हाउस फेसेस साउथ, ओके, ही लीव्स फ्रॉम द बैक गेट ऑफ हिज हाउस। तो मान लो कि ये मयंक का घर है और ये उसका जो है मेन दरवाज़ा है जो कि साउथ की तरफ है, ओके। इसने क्या बोला कि ही लीव्स फ्रॉम द बैक गेट, तो यानी कि इस तरफ से कहीं से जाएगा, एक छोटा सा यहाँ पर कहीं दरवाज़ा होगा वहाँ से वो निकलता है, ठीक है। ही लीव्स फ्रॉम द बैक गेट ऑफ हिज हाउस एंड वॉक्स 18 meters, ठीक है, बैक गेट से जा गया वो और 18 meters चला उसने, ठीक है, 18 meters चला। देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 28 meters, ठीक है, राइट इसका इस तरफ हो जाएगा, जिस हाथ से वो लिखता है उसी तरफ जाएगा, 28 meters की डिस्टेंस ये कवर करेगा ऐसे, ये 18 ये 28 है। देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 28 meters हो गया। देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 35 meters, इसने फिर से एक राइट टर्न लिया तो राइट टर्न 35 meters टोटल, ठीक है। तो देखिए ये इसका घर था, घर, ठीक है, ये थी 18 meters, ये 17 और इसमें जुड़ जाएगी, टोटल ये हो जाएगी 35 meters, ओके, 35 meters। देन ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 12 meters, लेफ्ट टर्न इसने लिया ऐसे, लेफ्ट टर्न इसने लिया और ये 12 meters चला इसने, ठीक है। और उसके बाद में इसने क्या बोला कि देन ही देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 17 meters, इसके बाद में फिर से इसने लेफ़्ट लिया और 17 meters चला, ठीक है। तो ये 17 meters था, ये भी 17 है, तो ये इसकी पोजीशन लगभग सेम हो जाएगी, एग्जैक्टली सेम हो जाएगी, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि ये डिस्टेंस बेसिकली कितनी है, ये देखो ये कितनी हुई, ये कितनी है, 28 है ये, और ये कितनी है, 12 है, तो टोटल कितनी होगी, 28 + 12 40 हो गई, ठीक है, 40 meters हो गई है। और ये कौन सी डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन में है, तो हमें देखिए यहाँ पे अपना आंसर मिल गया है डी, 40 meters ईस्ट, यही इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। वो अपने बैक गेट से निकला, फिर वो 28 meters चला, फिर वो 35 meters चला, फिर 12 meters चला, फिर 17 meters चला, वापस यहाँ पर आ गया। सो दिस वॉज एन ईजी क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, आई होप यू गाइज आर इन्जॉइंग। सो देखिए ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। अर्जुन स्टार्ट्स वॉकिंग टूवर्ड्स ईस्ट, अर्जुन ने देखिए ईस्ट की तरफ चलना शुरू किया, अर्जुन पूर्व की ओर चलना शुरू कर देता है, ठीक है। मान लो ये अर्जुन की इनिशियल पोजीशन है, ठीक है, मैंने ए बना दिया, ए मीन्स अर्जुन,
टूवर्ड्स द ईस्ट आफ्टर वॉकिंग 50 किलोमीटर। बेसिकली ये 50 किलोमीटर नहीं होगा, ये मीटर होगा, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है कुछ। ओके, सो 50 मीटर मान लीजिए वो चल दिया, ये टोटल डिस्टेंस अपनी हो गई 50 मीटर अर्जुन की, ठीक है, ईस्ट की तरफ चला। फ्रॉम देयर ही अगेन एंड ही आफ्टर वॉकिंग 50 मीटर ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट की तरफ इसने टर्न लिया और 15 मीटर कवर किया इसने डिस्टेंस, राइट, 15 मीटर चीज चला लेफ्ट में। फ्रॉम देयर ही अगेन टेक्स द लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 30 मीटर, अभी इसने फिर से एक लेफ्ट टर्न लिया और 30 मीटर की दूरी इसने कवर की। फाइनली ही टर्न्स टू द लेफ्ट वन लास्ट टाइम एंड वॉक 15 मीटर, तो देखो ये 15 था, ये भी 15 है, तो ये वापस इसी लाइन पर आ जाएगा, ठीक है, दिस इज ऑल्सो 15 मीटर। हाउ फार इज़ ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट देखिए इसका ये था, यहाँ पे 0 था, ठीक है, ये टोटल 50 था ये यहाँ से यहाँ तक, और ये जो है ये 30 है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमने देखा, तो ये कितना रह जाएगा, ये 20 रह जाएगा, तो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, 20 मीटर दूर है। सो दिस इज़ अ सिंपल वन, यहाँ से आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।